हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ कैरेट आइसक्रीम, जो कि बनाने में बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये समर स्पेशल रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पे दो गाजर लिया है। मैं गाजर को अच्छी तरीके से धो के इसे छील के बारीक पीसेस में कट कर लेना है। आप देख सकते हैं इतने बारीक पीसेस में हम कट कर लेंगे। हम गाजर को करेंगे बॉयल। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम डाल देंगे गाजर कैरेट को। अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप पानी। से ढक्कन लगा के हमें 2 से 3 सीटी लगाना है। जैसे ही कुकर ठंडा हो जाए इसे अब हम खोलेंगे। आप देख सकते हैं गाजर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अभी इसे हमें ठंडा होने देना है। फिर इसके बाद हमें मिक्सर जार लेके इसे अच्छी तरीके से प्यूरी बनाना है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसी तरीके से हम इसका प्यूरी बना लेंगे। अच्छी तरीके से पेस्ट बन गया है। आप देख सकते हैं कितने स्मूथ टेक्सचर लग रहा है। अब हम एक पैन रखेंगे, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मिल्क। तो मैंने यहाँ पे 1 कप डाला और डालूँगी 1/2 कप। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें बॉईल कर लेना है। अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। हम इसमें डालेंगे 1/4 कप शुगर, चीनी डाल के इसे अच्छी तरीके से हमें चलाना है। इसे हमें चलाते रहना है। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे वनीला एसेंस डाला है। आप और कोई फ्लेवर भी डाल सकते हैं। अभी इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर का पेस्ट। तो इसमें हम सारे गाजर का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं थोड़े थिक होना स्टार्ट हो गया है हमारा मिक्सचर। अब इसे और थोड़ा सा थिक कर लेना है। तो अभी हमें इसे चलाते हुए मिक्स करते रहना है। जैसे ही ये मिक्सचर और थोड़ी थिक हो जाए तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो ये देख सकते हैं ये और थोड़ा थिक हो गया है। अभी हमें आइसक्रीम को सेट करने के लिए एक बर्तन लेना है और उसी में आइसक्रीम को हम पोर कर देंगे और इसे कम से कम 8 से 9 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। ये आइसक्रीम बनाना बहुत ही इजी है और आसानी से बन जाती है। तो आप इस समर सीज़न में इसे ज़रूर ट्राई करिए और कैसा लगा ज़रूर बताना। तो हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाला है। अभी इसे हमें कवर करके अच्छी तरीके से 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीज़र में डाल देना है। 8 से 9 घंटे के बाद हम देख सकते हैं ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। आइसक्रीम बनाने में ना ही कोई बीटर की ज़रूरत पड़ी है और ना ही कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की। तो आप ये आइसक्रीम ज़रूर अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। अभी इसे हमें एक बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। ऊपर से हम थोड़े ड्राई फ्रूट से आपने पसंद की आप जो भी चीज़ें डालना चाहे डाल सकते हैं और इसे सर्व करिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।